शादी में दुल्हन का लहंगा सबसे ज़्यादा दुल्हन के दिल के करीब होता है, उसमें कुछ भी इधर उधर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो अंजलि ने खुद बैठकर मास्टर जी के साथ वो लहंगा बनवाया और वही वो सयूरी को देने आई है। ये देखो, देर रात तक मास्टर जी के साथ बैठकर तुम्हारा लहंगा सिलवाया, सुबह निकलने को तो देखा डोरिया ही नहीं लगी है। वापस गई, मास्टर जी को उठाया, डोरिया लगवाई और बाद में सीधा यहाँ और बिल्कुल भी अच्छे अच्छे गाने शूट हो रहे हैं, अच्छी अच्छी ज्वेलरी पहन रहे हैं, पूरा दिन मुझे तो पिक्चर्स क्लिक करना आपको पता ही है कि कितना पसंद है, तो जब भी टाइम मिलता है मैं फटाफट जाकर अपनी थोड़ी फोटो शूट कर लेती हूँ। सो इट्स आई एम रियली लाइकिंग दिस एक्सपीरियंस। मेरा वाला डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग करता है। सो मुझे जानना है कि लोगों को कैसा लगेगा। आज के सीन के बारे में जानना चाहेंगे कि आज अंजलि आई है सयूरी को लहंगा देने के लिए, एक स्पेशल लहंगा, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे किस वजह के लिए। एक्चुअली अंजलि ने सयूरी की शादी में वो जितनी भी ज़्यादा हेल्प कर सकती है सयूरी और चिरू भैया को, वो चाहती है कि उनकी शादी एकदम परफेक्ट हो। जिस भी वजह से हो रही है उसको पता है कि उन दोनों का बहुत प्यार है और उन दोनों को बहुत टाइम से मन था एक दूसरे से शादी करने का, तो अंजलि चाहती है कि सब कुछ एकदम परफेक्ट हो। तो उसकी डिज़ाइनर अंजलि है, सबके कपड़े अंजलि ने डिज़ाइन किए और आपको तो पता है कि शादी में दुल्हन का लहंगा सबसे ज़्यादा दुल्हन के दिल के करीब होता है, उसमें कुछ भी इधर उधर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो अंजलि ने खुद बैठकर मास्टर जी के साथ वो लहंगा बनवाया और वही वो सयूरी को देने आई है। सो बेसिकली वो सोई भी नहीं है रात भर, तो सयूरी से बोलती है कि तुम सोई नहीं, तो अंजलि इज़ लाइक शादी वाले घर में कौन सोता है, बस ये शादी अच्छे से हो जाए, बाकी सब बाद में हो जाएगा। काफ़ी हेक्टिक रहता है, बट एट द सेम टाइम क्योंकि लड़कियों को ड्रेसअप करना बहुत पसंद है और मुझे तो स्पेशली बहुत अच्छा लगता है, तो मज़ा आता है। डेफिनेटली डिफ़िकल्ट होता है गर्मी की वजह से, और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है और ऐसे कॉस्ट्यूम्स में परफॉर्म करना, बट आई थिंक इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ द जॉब। तो और ऐसे सीन्स में जब अभी तो हैप्पी सीन्स चल रहे हैं तो बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन मस्ती हो रही है, डांस हो रहा है, अच्छे अच्छे गाने शूट हो रहे हैं, अच्छी अच्छी ज्वेलरी पहन रहे हैं, पूरा दिन मुझे तो पिक्चर्स क्लिक करना आपको पता ही है कि कितना पसंद है, तो जब भी टाइम मिलता है मैं फटाफट जाकर अपनी थोड़ी फोटो शूट कर लेती हूँ। सो इट्स आई एम रियली लाइकिंग दिस एक्सपीरियंस। आज आपका पहला एपिसोड ऑनलाइन जाने वाला है, बहुत सारे डीएम्स आ रहे हैं, हमने देखे हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि जो शुरू का मेरा एपिसोड है, जो मेरी एंट्री है, वो ही इतनी एनर्जेटिक और इतनी पावरफुल है, मतलब मुझे बहुत पसंद है और बहुत ही वाइब्रेंट है, यू नो, बहुत ही सीरियस। जितने सीन्स चल रहे थे मुझे सेट पे भी सबने बोला कि बहुत दिन से काफ़ी सीरियस माहौल चल रहा था, तो उससे एकदम यू नो एनर्जेटिक और हैप्पी वाला वाइब है। तो ऑफकोर्स आप जब ऐसा कुछ परफॉर्म करते हो तो आपको अंदर से भी वो फील करने की ज़रूरत होती है। तो फर्स्ट डे जो भी मैंने शूट किया है उसमें मैंने ट्राई किया कि मैं अपनी सारी एनर्जी सारी पॉजिटिविटी डाल दूँ। हमने गाना भी शूट किया है मेरा वाला डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग करता है। सो मुझे जानना है कि लोगों को कैसा लगेगा। मैं फैंस को बोलना चाहूँगी थी कि थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज लविंग एंड सपोर्टिंग मी। मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगी क्योंकि मेरा एपिसोड अभी तक आया नहीं है, बट मेरे पास इतने मैसेजेस ऑलरेडी आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने सारे एक एक सेगमेंट देखे हैं, आप लोगों ने जितना भी कवर किया अभी तक शो को। सो आई एम रियली होपिंग कि आप लोगों को मेरा कैरेक्टर ऑन स्क्रीन बहुत पसंद आए। आपने हमेशा मेरा साथ दिया, मुझे बहुत प्यार दिया है, तो आप प्लीज़ अंजलि को भी उतना ही प्यार दीजिएगा और हमारे शो को देखते रहिए। थैंक यू।